सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मिरर वर्ल्ड के जाने के बाद पबजी प्लेयर बहुत ही परेशान थे, बट फाइनली पबजी वालों ने 1.9 में एक न्यू मोड दे दिया जो कि यार काफी कमाल का है यार। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम तो मेरे प्यारे प्यारे पबजी के दोस्तों, तो कैसे हो और क्या हाल है यार आप सब लोगों के। सो यार आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। यार इस वीडियो में हम आज बात करने वाले फेरो मोड के बारे में, एंड हमारे पास जो 1.9 की काफ़ी सारी अपडेट निकल के आ चुकी है, एंड आपको बिल्कुल फ्री में ए मोड देखने को मिलने वाले जो कि यार काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो का कोई भी स्लिप मिस मत करना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेगी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मंथ 9 रॉयल पास 15 आरपीपी प्री मोड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो प्री मोड होने वाला है मंथ 9 रॉयल पास का 15 आरपीपी, ये वाला प्री मोड आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इतना बड़ा सा डांस कर रहा है, तो भाई फ्री वाला मोड इतने बड़े तो नहीं होते, बट फाइनली यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वाला मोड। एंड मंथ 10 रॉयल पास की बात करें तो 15 आरपी पे आपको मंथ 10 रॉयल पास में भी आपको एक इमोट देखने को मिलने वाला है जो कि यार काफ़ी अच्छा सा इमोट है। मतलब दोनों इमोट मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं, मतलब फनी टाइप के, एंड भाई बहुत ही बड़ा सा डांस कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, ठीक है। एंड ये दोनों इमोट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 1.9 अपडेट की 4th एनिवर्सरी के बारे में। तो 4th एनिवर्सरी का जो हमारा स्पॉन आइसलैंड होने वाला है, तो वो भाई सब कुछ इस तरह देखने को मिलने वाला है। एंड आप देख सकते हैं, मतलब पूरे के पूरा रंग बरंग से भाई भरा हुआ है, मतलब हमारा 4th एनिवर्सरी। एंड फाइनली यहाँ पे आप जैसे आप थोड़ा सा मतलब आ जाते हो तो एक बड़ा सा स्टेचू देखने को मिलता है जो कि यार मतलब देख सकते हैं इतना बड़ा सा स्टेचू आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये आप देख सकते हैं कि भाई इतना बड़ा सा स्टेचू है ना कि भाई साहब आप अंदर ऊपर देखेंगे ना तो भाई साहब आपकी टोपी नीचे उतर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये हमारे 4th एनिवर्सरी की स्पॉन आइसलैंड होने वाली है। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो थीम पार्क इंटरेक्टिव है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लूट मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स देखने को मिलता है, एंड इसमें आप जैसे ओपन करते तो भाई साहब आपको लूट मिल जाएगी M416, मतलब रेंडम रिवॉर्ड्स आपको मिलेगी। एंड ये जैसे आप ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारा लूट देखने को मिलने वाला है। एंड ये लूट देख सकते हो, मतलब M416, यहाँ पे भाई साहब म्यूज़िक चल रही है, मतलब आप अपना डांस वगैरह भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो भाई साहब कुछ सीन इस तरह होने वाला है कि भाई बहुत ही कमाल की 4th एनिवर्सरी का अपडेट आने वाला है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए म्यूजिक चल रही है। एंड बात करते हैं हमारे माउंटेन बाइक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड भाई साहब बाइक भी बहुत ही कमाल का बना है, स्पोर्ट टाइप का बाइक होने वाला है, मतलब यहाँ पे माउंटेन बाइक है जो कि आप मतलब बहुत ही अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। एंड भाई साहब इसमें जो स्पेशल बात यह है कि भाई इसको फ्यूल नहीं लगने वाला है कि भाई आप इसको फ्यूल डालो वो डालो, ठीक है, तो फ्यूल की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपने बैग में रखते हो फ्लोटेबल, मतलब माउंटेन बाइक होने वाला है। एंड यहाँ पे आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो भाई साहब ये मतलब अपने बैग से मतलब निकल जाएगा। एंड भाई साहब यहाँ पर भाई साहब इस तरह खड़ा कर दो, एंड भाई साहब सीधा भाई ड्राइव पर क्लिक कर दो, एंड भाई एनिमी से यहाँ से मतलब भाग जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इसमें जो स्पेशल बात यह है, दूसरी स्पेशल बात यह है कि भाई साहब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो उसके बाद यहाँ पे इसको मतलब अपने साथ फिर से रख सकते हो। मतलब यहाँ पर देखे पिकअप आप जैसे क्लिक करते हो तो सिंपली आप जैसे पिकअप पे क्लिक करते हो तो मतलब ये पिक हो जाएगा ना, अपने साथ रख पाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मिरर वर्ल्ड के बारे में। तो भाई साहब मिरर वर्ल्ड से सबसे मतलब उससे भी अच्छा मूड यहाँ पे आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है। एंड इसको आप यार फेरो मूड भी कह सकते हो क्योंकि यार ये ऑलरेडी आ चुका था, बट यहाँ पे अब इसमें बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है। अब ये चेंजेस कैसे होने वाले हैं तो चलो यार वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड जैसे आप नीचे लैंड कर देते हो ना, ठीक है, तो भाई काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोग इसको भाई खेलते हैं, तो यहाँ पर भाई सब बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो भाई आप यहाँ पे आपको टोकन्स वगैरह देखने को मिलेगी जो कि आप नीचे जाएंगे तो भाई साहब आपको मतलब
इसमें आप अगर आप आते हो तो भाई क्या है, मतलब इसमें तो वही रखो, समझ नहीं आया कि क्या हो गया इसमें। बट यहाँ पे आप देखिए आपको बहुत सारा लूट देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे पबजी वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई पेरू या मम्मी वगैरह जो सूट है ना वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि भाई पूरा का पूरा वही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड इस टोकन से क्या कर सकते हो, नीचे जाएंगे तो भाई आप इससे मतलब अपना जो क्या बोलते हैं मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह ले सकते हो, मतलब कुछ गन्स वगैरह परचेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखिए अगर आओगे तो इसका कलर अपने जो आपका थोपड़े का कलर है ना, ठीक है, तो भाई साहब वो आप चेंज कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अगर आप इनिमीज के साथ फाइट लेंगे, ठीक है, तो भाई साहब वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए उसका हेल्थ जैसे छोटा होगा तो भाई सब ऊपर जो मतलब हेड गेयर बोल सकते हो मतलब वो बड़ा होता जाएगा। एंड भाई आसमान की ऊंचाई में गोरा ही गोरा होगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भाई सब आपकी हेल्थ अगर कम होगी तो आपको भाई ऊपर मतलब आसमान में भेज देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है, तो ईजीली आप इसको मतलब फिनिश कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखिए आपका अपना हेल्थ आपने पूरा करना होगा, वरना आप भी आसमानों की ऊँचाई में मतलब चले जाओगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जैसे आप हेल्थ लगाते हो तो ये जो हेड गेयर है ना वो छोटा सा हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखिए भाई साहब भाई आसमान की ऊंचाई में, ठीक है, तो इस तरह आप ऊपर आ जाओगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो न्यू मोड आने वाला है इसमें, जो कि आर्टिक मोड भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे भाई साहब मतलब बहुत ही कलर वगैरह ऐड किए पबजी वाले ने, फोर्थ एनिवर्सरी की खातिर बहुत सारे कुछ ऐड किया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लूट भाई बहुत सा लूट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एंड लूट के साथ साथ भाई वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर आप मतलब फिनिश होते हैं मतलब यहाँ पे आपकी हेल्थ कम होती है तो आप भाई आसमान की ऊंचाइयों में जाएंगे। एंड भाई साहब ऊपर जाएंगे तो इजीली आप मतलब फिनिश हो जाओगे, ठीक है। सो ये वाला जो मोड था ऑलरेडी आ चुका था, बट 1.9 अपडेट फोर्थ एनिवर्सरी में फिर से आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास व्हीकल मतलब डिटेक्चर आप इसको बोल सकते हो। एंड इसके पास आप जैसे आओगे तो यहाँ पर भाई साहब एक मतलब सोल्जर आर्मर पड़ा हुआ है इस तरह कुछ, तो भाई साहब इसमें बहुत सारा लूट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि भाई साहब अगर आपके पास लूट नहीं है तो यहाँ पे भाई साहब आप एक बार ज़रूर आ जाना, बहुत ही प्यारा सा लूट आपको मिलेगा। एंड जैसे आप रिडार के पास मतलब आ जाते हो, ओपन पर क्लिक करते हो, तो आसपास जितनी भी आपको व्हीकल दिखने को मिलते हैं तो वो आपको मैप में मतलब मिनी मैप में शो हो जाएगी कि भाई यहाँ पर भाई व्हीकल से आप ले सकते हो। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना। एंड वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एंड और भी अगर आप इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मतलब सब्सक्राइब नहीं है किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रख देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, तो यार मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में।